सम्रांगण की भूमि में कौरवों की सेना मारी जा चुकी थी। सिर्फ दुर्योधन बच गया था, जिसके पैर भीम ने काट दिए थे, और उसने प्रेरित करके अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा को रात्रि में भेजा कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, यदि मरते मरते एक इच्छा तू मेरी पूरी कर दे कि तू पांचों पांडवों के सिर काट दे और मेरे पास आकर दिखा दे, तो कम से कम मेरी मृत्यु सुख से हो जाए। गुरुपुत्र ने स्वीकृति देकर संकल्प लिया कि कल का सूर्य उदय तब होगा जब पांचों पांडवों के सिर तुम्हारे समक्ष होंगे। पर लोग भूल जाते हैं ना, हमारा जाको राखे साइया, कौन मार सकता है जिसके ऊपर प्रभु है। लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, थोड़ा सो घर के सामने काली उड़द आ जाए तो हाय तोवा मचांगे महाराज, नींबू कहूं मिल जाए तो हाय तोवा मचांगे। अरे जब प्रभु की भक्ति आपके जीवन में है तो संसार का कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक कि मारा नवग्रह भी हाथ जोड़ देते, भैया तोते तो दूरी रंगे। तू ठाकुर जी को भगत है, अगर हमने तो पे कोई प्रभाव दिखायो तो ठाकुर जी को प्रभाव हम पे पड़ जाएगा। इसलिए मत घबराओ, शुक्र शनिचर अन्य ग्रहों से अगर आप दास हैं प्रभु के, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां अश्वत्थामा गया और रात्रि के अंधकार में पांचों पांडवों के शिविर में पांचों पांडव के बालक लेटे हुए थे, क्योंकि भगवान पहले ही जानते थे उन पांचों पांडवों को उठा करके एकांत में ले गए कि मैं कल निकल जाऊंगा, इसलिए आज रात्रि मेरे साथ व्यतीत कर लो। पांचों पांडव उठ करके, क्योंकि शरणागत थे प्रभु के साथ, चले गए। पांचों पांडवों के बालक वहां लेटे हुए थे। अश्वत्थामा ने रात्रि में अंधकार में पांचों पांडव समझ के उनके ही गले काट लिए, सिर काट लिए। अब ध्यान देना, एक ब्राह्मण को ये कार्य उचित नहीं देता। अश्वत्थामा कोई साधारण सामान्य ब्राह्मण नहीं समझना, महान शिव का भक्त था। शिव महापुराण में वर्णन आता है, अश्वत्थामा जैसा शिव भक्त कोई नहीं है। महाभारत का एक प्रसंग आता है कि उसने एक बार महाभारत में उसके पिता ने उसे नारायण अस्त्र दिया था और कहा कि जब संसार में कोई अस्त्र काम ना करे तो इस अस्त्र को चला देना, ये अस्त्र अकेला ही सारी सेना को नष्ट कर देगा कुछ ही क्षणों में। और जब देखा कि सारी सेना कौरवों की मर रही है, तो अश्वत्थामा ने नारायण अस्त्र चला दिया। और नारायण अस्त्र का ये प्रभाव था, जिसके हाथ में भी अस्त्र होगा, जो युद्ध के लिए तत्पर होगा, वो उसको तुरंत मार गिराएगा। तो पांडवों की सेना पर चलाया गया, पांडवों की सेना मरने लगी, जितने सारे योद्धा थे सबके सिर कट कट के गिरने लगे। जब आदि से 25% सेना नष्ट हो गई, भगवान श्री कृष्ण को पता चला। अब वो कहते हैं अश्वत्थामा दुर्योधन आदि उस विपक्ष के सारे सेना नायक बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह अश्वत्थामा तुमने बहुत अच्छा किया, इससे पहले क्यों नहीं अस्त्र चलाया। और किसी को इस बारे में नहीं पता था इस नारायण अस्त्र का तोड़ क्या है, सिर्फ भगवान कृष्ण जानते थे, क्योंकि वो स्वयं नारायण हैं। अर्जुन और सभी सेनापति आदि सेना के सारे योद्धाओं से कहा, नारायण अस्त्र का कोई सामना नहीं कर सकता, इसलिए अपने अस्त्र गिरा करके सभी प्रणाम करके झुक जाओ, ये नारायण अस्त्र उसी समय वही अंतर्ध्यान हो जाएगा। सभी रथ से कूद पड़े और सभी ने अपने अस्त्र छोड़ करके प्रणाम करके सिर झुकाए, नारायण अस्त्र उसी समय तक्षण गायब हो गया। ये देखे अश्वत्थामा को बहुत बुरा लगा, ये क्या हुआ, या तो इस अस्त्र में कोई कमी है या मंत्र का प्रभाव नहीं रहा है। लेकिन उसी समय व्यास जी को जाते हुए देखा, जिन्होंने इस पुराण की रचना लिखी है, वो वहां से निकल रहे थे। अश्वत्थामा दौड़ कर गया, महाराज चरणों में प्रणाम करता हूं, एक बात मेरे साथ घटी है, नारायण अस्त्र को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसने असर नहीं किया, क्या कलयुग के आने के प्रभाव से मंत्रों के अंदर बल नहीं रहा, या नारायण अस्त्र का प्रभाव ही नहीं रहा, या पांडवों के प्रति भगवान का कुछ ज्यादा ही स्नेह है, ऐसा क्या कारण है। तब व्यास जी कहते हैं, मंत्रों का प्रभाव नहीं,
अगर प्रभाव होता नहीं तो क्या नारायण अस्त्र इतनी सारी सेना का नाश कर देता? प्रभु का किसी के पक्ष पर कोई वो नहीं, लेकिन तुम भगवान के भक्त हो, शिव के भक्त हो, लेकिन अर्जुन तुमसे ज्यादा भक्त है और उसकी रक्षार्थ स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। तो भला जिस पर प्रभु का हाथ हो वो अपने भक्त को कष्ट दे सकते हैं क्या? इसलिए तुम उनसे नहीं जीत सकते। तो याद रखिए, कभी कभी भक्त भी जिन पे बहुत बड़ा प्रभाव हो, जिनके जीवन में बड़ा प्रभाव है, प्रभु की कृपा है, लेकिन वो भी कभी कभी एक गलत विचार जीवन में आते ही और गलत लोगों का साथ देते ही ऐसा अधर्म कर देगा कि अपनी भक्ति और अच्छे मार्ग से विमुख हो जाएगा। अश्वत्थामा जैसे कि बुद्धि खराब हो गई दुर्योधन के संग करने से, और आज नर हत्या तक कर दी उसने ऐसे अबोध बालकों की जो सो रहे थे। युद्ध के भी एक नियम होते हैं, एक मर्यादा होती है कि रात्रि के समय युद्ध नहीं होना चाहिए। रात्रि के समय यदि कोई विपक्ष का व्यक्ति हमारे समक्ष आ जाए तो भी तुम तलवार नहीं उठा सकते, उससे मित्रवत व्यवहार करना होगा। कोई किसी के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, तुम शस्त्र नहीं चला सकते उस पर। ये नियम होते हैं, और ये नियम होता है महाराज कि रात्रि में कोई सो रहा हो तो उसके सिर नहीं काटे जा सकते। पर ये अधर्म की अश्वत्थामा ने काट लिए। भगवान श्री कृष्ण सुबह जब आए पांडवों को लेकर, बड़ा कोहराम मच गया, द्रौपदी रोने लगी। ये प्रसंग है ऐसा। और फिर प्रभु ने कहा ये सब कृति अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा को पकड़ा गया, लाया गया, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया गया। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। जरा विचार करो, पांडवों की ऐसी ख्याति नहीं होती महाराज, उनका हृदय कितना बड़ा था। क्षमा का गुण बहुत बड़ा होता है। अगर जीवन में क्षमा नहीं आई तो आप जीवन भर जलन में अपना जीवन निकाल दोगे। कभी कभी हम बहुत भजन करते हैं लेकिन एक कोई अवसाद हमारे मन में रहने के कारण, जो मंत्र हमें 10,000 नाम जप करने में शुद्ध हो जाने चाहिए, उनको पूरा जीवन लग जाता है। अपना प्रभाव भक्ति भी नहीं देती क्योंकि आपके मन में क्षमा का गुण नहीं है। एक संत के पास उनका शिष्य आया और कहता है महाराज आपने मुझे जो मंत्र दिया है ना उसका प्रभाव नहीं हो रहा। भजन करते करते 5 साल व्यतीत हो गए, कोई असर ही नहीं हो रहा। उन्होंने कहा तुम्हारे मन में अभी कोई अवसाद है, अपनी जांच करो, अपने मन को निहारो, तुम्हारे अंदर कोई ना कोई कमी तो अवश्य है। तुमने किसी को अभी क्षमा नहीं किया है, कोई जलन है? बोले नहीं महाराज, मेरे मन में तो किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है। बोले कुछ तो है? उसने कहा महाराज मैंने पूरा जांच कर लिया, कुछ भी नहीं है, मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता। तब गुरु कहते हैं तुम्हें अभी तुम्हारी पत्नी के प्रति द्वेष है, अपनी पत्नी की को गलत मार्ग पर देखकर ही तुमने संन्यास धारण किया है। अभी तुमने क्षमा नहीं की अपनी पत्नी को, इसलिए तुम्हारे भजन का प्रभाव अभी नहीं होगा। तुम क्षमा करो अपने मन से उसे, तब तुम्हें भजन, तुम्हारा भजन लगेगा। और याद रखिए भजन तभी काम कर सकता है जब आप अपने मन की ईर्ष्या को छोड़ देंगे। तो यहां क्षमा किया और भजन का प्रभाव उत्पन्न हो गया। यहां द्रौपदी ने भी क्षमा कर दिया। और ऐसा आता है कि फिर भगवान के कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा को का सिर मुंडवा करके, उसकी मड़ी निकाल करके, अपमानित करके पूरे नगर में घुमा दिया। मारना चाहिए था उसे लेकिन उसे दंड नहीं दिया, उसे क्षमा दान दे दिया। और वही अश्वत्थामा ने जिसने पांचों पांडवों के केवल 5 पुत्र बचे थे वंश में, उन सबको मारने के बाद पांडवों का वंश ही खत्म कर दिया। ना कौरवों में कोई बचा ना पांडवों में। अश्वत्थामा ने कहा इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ना, 5 पांडवों के बालक तो मार दिए, कौन बचा? तभी याद आया अर्जुन की पत्नी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, उसका पुत्र था अभिमन्यु जो महाभारत में मारा गया। उस अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अभी एक वंश दीपक है पांडवों का जो आगे पांडवों का वंश ले जा सकता है। और वंश दीपक इस कथा को सुनने वाला मुख्य श्रोता परीक्षित हैं,
और उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर, उस शिशु पर कर दिया जो उस गर्भ में पल रहा था। ब्रह्मास्त्र आता है और उस गर्भ को नष्ट करने के लिए, जलाने के लिए उस बालक को अग्नि पैदा करता है। बालक तड़पता है, इधर उधर भागता है नन्ना सा। उत्तरा दौड़कर भगवान के पास जाती है, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, प्रभु मुझे बचाइए, मैं मर जाऊं मुझे अपना भय नहीं, पर इस कुल का एकमात्र वंशज इस गर्भ में है, प्रभु इसकी रक्षा आपके हाथ है। इस प्रसंग से श्रवण करिए और ध्यान दीजिए, जीवन में कितने भी कष्ट आ जाएं, कभी किसी के पास मत जाइए गिड़गिड़ाते हो, किसी के पास मत जाइए, ना तो किसी के अंदर सामर्थ्य है दुख दूर करने की, ना कोई दुख आपकी सुन सकता है। आपको एक बार आपकी सहानुभूति प्रकट करने के लिए सुन लेंगे, दूसरी बात वही आपको हड़का देंगे, वही आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। इसलिए आप अपना मान सम्मान बनाकर रखें, दुनिया से ना कहें, जगन्नाथ से कहें, उन्हें सुनने की भी सामर्थ्य है और कष्ट को दूर करने की भी सामर्थ्य वही रखते हैं। प्रभु से कहें, उत्तरा कहीं नहीं गई, ना अपनी सास के पास गई, ना अन्य किसी के पास गई, कहां गई? द्वारिकाधीश के चरणों में। उन्हें पता था कि सिर्फ यही दुख दूर कर सकते हैं।